नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। बोर्ड परीक्षा के जो रिजल्ट हैं वे लगातार आ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं कई तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिल रही हैं। एक ऐसा छात्र है जिसने आत्महत्या कर लिया, तो कोई ऐसा छात्र है जो घर से भाग गया। कल एक पत्र और कुछ वीडियोज़ हमारे पास आए हैं जो आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। एक लड़का है जिसका नाम रौनक कुमार है। 13 तारीख को वो घर से निकलता है यह बात कह के कि वो अपना रिजल्ट पता करने जा रहा है और उसके बाद वो लड़का घर नहीं लौटता है। कल एक FIR दर्ज कराया गया है जिसकी कॉपी आप अपने स्क्रीन्स पर अभी देख रहे होंगे। आपको बताएं, उस बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट आना था और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। इसके बाद जब वो लड़का गायब होता है और उसके बैग को उसके गार्जियन खंगालते हैं तो उसमें एक सुसाइड नोट भी मिलता है। अब देखिए, वो पत्र आपको हम बता रहे हैं जो FIR किया गया है, उसमें काफ़ी तरह के डिटेल्स दिए गए हैं उस बच्चे के बारे में जिसका नाम रौनक है। आप पत्र देख रहे होंगे और उस पत्र में यह साफ लिखा है कि थाना अध्यक्ष रामकृष्णा नगर का है यह और विषय है लड़का गायब होने के संबंध में। लिखा हुआ है, महाशय सेवा में निवेदन है कि मैं पप्पू कुमार, पिता दीनानाथ प्रसाद, मेरा लड़का रौनक कुमार अपने नाना के घर रमेश भारती मोहल्ला सद्भावना नगर चक रोड नंबर 19 में रहता था। आज दिनांक 13/7/2020 को सुबह 12 बजे घर से यह कहकर निकला कि हम अपना रिजल्ट पता करके फतुहा जा रहे हैं और उसी क्रम में वह घर नहीं लौटा है। उसका बैग खोल कर देखा गया तो उसमें एक सुसाइड नोट मिला है जो आवेदन के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उसका अतिशीघ्र खोज कर मेरी सहायता की जाए। यह पत्र है, पप्पू कुमार उनके पिता हैं। पटना के नाम कृष्णा नगर का वो लड़का रहने वाला है। डिप्रेशन में था, रिजल्ट को लेकर बहुत चिंतित था और इसीलिए वो शायद घर छोड़कर भाग गया है। आपको अब दो वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। उस वीडियो में उस बच्चे की माँ और बहन किस तरह से कलप रहे हैं, रो रहे हैं, रौनक कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि वो घर वापस आ जाए। देखिए क्या कहना है उनकी माँ और बहनों का। भैया से आप मेरा चल रहा हूँ, प्लीज चल रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा भैया, भैया जाओ चल रहा, तुमसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर जाओ चल रहा। रौनक जहाँ भी हो चले आओ, तुम्हें कुछ कुछ नहीं कहेगा। बाबू घर वापस आ जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बाबू, चले आओ घर वापस आ जाओ। तो आपने सुना उस माँ की पुकार अपने बेटे के लिए जो बेटा घर से भाग गया है, या कहकर कि रिजल्ट लेकर वो फतवा जा रहा है, उसके बाद वो घर नहीं लौटता है। लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, काफ़ी पीड़ा में है वो परिवार। इसके बावजूद उस बच्चे का कोई पता नहीं है। कल से ये पूरा जो मामला है वो काफ़ी तूल पकड़े हुए है, सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आपको भी अगर कहीं पर कुमार रौनक की जानकारी हो तो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन के नीचे देख रहे होंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क साध सकते हैं ताकि उस माँ को, उस परिवार को उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल सके। HS बिहार को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।